अर्थप्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता कि हमने महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर एक बाज की तरह निगाह बना के रखी और हम आपको एक्सक्लूसिव जो उनकी रिपोर्टें बताते रहे महाराष्ट्र में क्या रहा था, लेकिन आज महाराष्ट्र के अंदर तमाम गतिरोध खत्म हो रहे हैं। आज नई सरकार का गठन हो रहा है, मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये सब बातें क्या घटनाक्रम हुए, अब हम बताते हैं कि सरकार ये कैसे बनी, क्या क्या बातें हुई। अब हम आपको कंक्लूजन निकालना ही बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने सबको बताया था कि जैसे युद्ध खत्म हो जाता है, युद्ध के बाद उसके क्या क्या खामियां रह जाती हैं, कहां कहां पर चूक होती है, आज हम इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे। जैसे हम सबको पता है कि राजनीति एक शतरंज होती है। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं युद्ध में, जैसे आपने देखा होता है, एक पैदल सेना होती है, एक होती है राजनीतिक जो शतरंज, जिसको हम कहते हैं कूटनीति, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी चलते हैं। जैसे हम बात करें पैदल सेना की, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें लेकर सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। अब हम बात करते हैं राजनीति की। जैसे हम सबसे पहले देखने को यहाँ पर ये मिलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आई कि ये क्या घटनाक्रम था। और मैं ये हम ये आस करते हैं कि जो पॉलिटिशियन है हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। राजनीति एक शतरंज होती है, और जैसे ही पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, जैसे ही शिवसेना अलग हुई, ये कहानी वहीं से शुरू होती है। जब शिवसेना अलग हुई, शिवसेना सबसे पहले NCP और कांग्रेस के पास गई, वहाँ पर गठबंधन बना, यहीं से शुरू होता है कि राजनीति कूटनीति का सफर। जब ये सब घटनाक्रम हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में अजीत पवार जी NCP के अपने MLA लेकर आ गए। क्या ये सोची समझी एक साजिश थी, इसको हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इस बात का भी आपको बहुत बड़ा आंसर इस हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही NCP के लीडर आए, MLA आए, तो तुरंत उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रातों रात राष्ट्रपति शासन हट गया और मुख्यमंत्री डिप्टी CM की शपथ भी अजीत पवार जी ले गए, देवेंद्र फडणवीस जी ले गए। ये घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ कि दूसरी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। लेकिन इस कहानी के अंदर, इस समुंदर मंथन के अंदर किसको क्या मिला, अगर हम देखा जाए इस समुंदर मंथन के अंदर BJP को सिर्फ विष ही मिला है। अमृत शिवसेना NCP और कांग्रेस लेकर जा चुकी है, वो किस तरह के लेकर जा चुकी है। अब आप देखना कि जैसे अजीत पवार जी DP CM बने, उनके 9 केस थे जो ED के पास पेंडिंग थे, उनको तुरंत क्लीन चिट मिल गई। जैसे उनका काम क्लीन चिट मिली, जैसे उनका काम हुआ, वो तुरंत अपने चाचा जी पार्टी में आ गए और शाम को बयान आ जाता है कि परिवार एक हो गया। और उसके बाद आज जो सरकार गठन हो रही है उसमें अपने शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने राजनीतिक विशेषज्ञ समझ नहीं पाई, ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि उनको समझने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अब हम बात करते हैं कि इस राजनीति युद्ध के अंदर BJP ने क्यों मात खाई, इसके क्या कारण थे। सबसे बड़ी बात है अति उतावलापन बहुत हॉरिबल होता है, क्योंकि सभी कहते हैं कि राजनीति में पेशेंस का, विवेक का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, वो विरोधियों की चाल समझ नहीं सके, वो ये नहीं समझ सके कि जो अजीत पवार जी आए हैं BJP में, वो जो उनके पुराने विरोधी थे इलेक्शन में भी, वो क्यों आए हैं, वो उनको समझ नहीं सके। वो जल्दबाजी में वहाँ पर मात वहाँ पर उन्होंने खा ली भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। अब आगे हम चलते हैं कंक्लूजन में बहुत चीज़ें हमें देखने को समझने को मिलेंगी कि ये सब घटनाक्रम, ये अब हम वैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कहते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन जो शरद पवार जी ने फिल्म दिखाई उसकी हमें काबिलियत तारीफ है। उन्होंने अपनी कूटनीति का बिल्कुल 1% भी भनक नहीं लगने दी भारतीय जनता पार्टी को। उनके मन में क्या था, उन्होंने अपने अजीत पवार को भेजा, वहां से क्लीन चिट मिली, DP CM बने और वापस फिर अपने घर में आ गए। अब यहां पर एक बात और देखने को मिलती है कि अगर हमने ये बात क्यों कही है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने ये बात क्यों कही है, इस पर हम आपको बताते हैं हमने क्यों कहा। अगर शिवसेना, NCP, कांग्रेस की सरकार बनती, BJP को ये ना भरोसे में लेते, उसमें क्या होना था, उसमें ये होना था कि जो ED के केस थे उनमें उनको क्लीन चिट नहीं मिलनी थी। सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि शरद पवार जी ने
दुश्मन के खेमे में जाकर, जैसे हम बचपन में कबड्डी कबड्डी देखते थे उसमें हाथ लगाकर अपनी लाइन पर वापस आ जाते थे, उसी तरह से शरद पवार जी ने सोची समझी साजिश के तहत, साजिश नहीं कह सकते, राजनीति में सब कुछ संभव होता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ वो होता है जो अपने राज किसी को ना पता लगने दे। उसके अंदर आज की डेट में महाराष्ट्र में शरद पवार जी एक चाणक्य बनकर उभरे हैं, इसमें किसी को भी कोई शक किंतु नहीं होगा। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी महाराष्ट्र के ऊपर। आज सरकार बन चुकी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि इस सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार अब इनके ऊपर डिपेंड है किस तरह से सरकार चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम न्यूनतम सांझा प्रोग्राम भी करेंगे, उसके तहत हम सबसे पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट अपने महाराष्ट्र के लोगों को एक स्थायी सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इन बातों को देखते हुए ये हमारी आज की रिपोर्ट थी डॉक्टर महाराष्ट्र के ऊपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और ये लगता है कि ये रिपोर्ट अर्थ प्रकाश ही पूरे हिंदुस्तान सबसे पहले अपने लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था, हमारा ही फर्ज है कि सरकार बनने तक नहीं हम अपनी रिपोर्टिंग करें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किन परिस्थितियों में सरकार बनी, ये भी हमें अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी था। ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन कनिष्क की। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।